दोस्तों पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए UAE पहुंच चुकी है। सीरीज का जो पहला मुकाबला है वो खेला जाएगा 24 मार्च को शाहजहां स्टेडियम में। वेल, आपको बता दें कि अफगानिस्तान टीम की कमान जो है वो राशिद खान के कंधों पर सौंपी गई है, तो वही पाकिस्तान की कमान संभालेंगे शादाब खान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट टाइम गुरु चैनल में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। तो ऑब्वियसली दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट T20I मैच को। ये जो फर्स्ट T20I मैच है दोस्तों, ये खेला जाएगा शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में 24 मार्च को रात 9:30 बजे। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर बात करते हैं पहले पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों T20 अगर मैचेस की बात की जाए शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में, तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 29, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 16 मुकाबले जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। यहां पर एक मुकाबला जो है वो टाई रहा था। एवरेज स्कोर यहां रहा है फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का 151 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है अफगानिस्तान की टीम ने 215 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है हांगकांग की टीम के नाम 38 का। तो ये तो हो गई पिच की बात। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो 3 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान के हाथ एक भी मुकाबला नहीं लगा है अभी तक, और पाकिस्तान की टीम ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में जो अफगानिस्तान की टीम है राशिद खान के अंडर जो खेलने वाली है, यहाँ पर राशिद खान जरूर चाहेंगे कि अपना खाता खोलें यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों ये मुकाबला अफगानिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना पाकिस्तान के लिए होगा वैसे ही अफगानिस्तान की टीम भी अच्छा प्रदर्शन करने की यहाँ पर कोशिश करेगी, ताकि वो इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सके। वैसे में अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 में राशिद खान किन खिलाड़ियों को शामिल करेंगे, इनके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी शामिल रह सकते हैं, यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हो सकती है, उसमें शामिल रहेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, सदिकुल्लाह अतल, इब्राहिम नजीबुल्लाह, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजाई, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान और फजलत फारूकी। तो दोस्तों ये 11 खिलाड़ी हो सकते हैं प्लेइंग 11 में शामिल, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ ये खिलाड़ी भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बात की जाए यहाँ पर की प्लेयर्स, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने शामिल किया है रहमानुल्लाह गुरबाज को, जिन्होंने 38 मैचेस खेलते हुए 941 रन स्कोर किए हैं। अगला जो खिलाड़ी है वो है मोहम्मद नबी, जिन्होंने 103 मैचेस खेलते हुए 1664 रन बनाए हैं। इनके बाद दोस्तों जो बल्लेबाज रहेंगे वो है नजीबुल्लाह, जिन्होंने 89 मैचेस खेलते हुए 1644 रन बनाए हैं। वेल दोस्तों बात की जाए यहाँ पर गेंदबाजी की, तो राशिद खान यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि राशिद खान जो है वो हर मैच में हर सीरीज में कमाल का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर T20 स्टैट्स की उनकी बात की जाए तो इसमें काफी शानदार रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 77 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 126 विकेट्स अभी तक अपने नाम किए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर राशिद खान भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर। वेल दोस्तों बता दें कि जरूरत पड़ने पर राशिद खान जो है बल्लेबाजी भी करते दिखाई देते हैं, और उन्होंने 77 मैचेस में 345 रन भी स्कोर किए हैं। अगले जो गेंदबाज यहां पर हमने शामिल किए हैं वो है फजल हक फारूकी, जिन्होंने 19 मैचेस खेलते हुए 21 विकेट्स अपने नाम किए हैं। और आखिरी नाम है मुजीबुर रहमान का, जिन्होंने 38 मैचेस खेलते हुए 49 विकेट्स चटकाए हैं। तो ये हो गए अफगानिस्तान के की प्लेयर्स। लेकिन अब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम पर दोस्तों। तो पाकिस्तान की टीम अभी हाल फिलहाल काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई तो दे रही है, और यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड भी पाकिस्तान की टीम का काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को मात झेलनी पड़े और अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम है दोस्तों, अपने दबदबे को कायम जरूर रखना चाहेगी और अपनी जीत का सिलसिला जो है जारी रखना चाहेगी। ऐसे में शादाब खान के कंधों पर यहाँ पर जिम्मेदारी होने वाली है अपनी टीम की और जीत की। तो किन 11 खिलाड़ियों को वो जगह देंगे प्लेइंग 11 में, यानी कि पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो चलिए इन 11 खिलाड़ियों के नाम भी आपको बताते हैं। तो यहाँ शामिल रहेंगे अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हैरिस, शान मसूद, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, नसीम शाह, इसानुल्ला, जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर। तो दोस्तों ये हो सकती है पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। लेकिन की प्लेयर्स की लिस्ट में हमने किन खिलाड़ियों को दी है जगह, जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ। तो मोहम्मद हैरिस का नाम हमने यहाँ शामिल किया है, जिन्होंने 5 मैचेस खेलते हुए 104 रन बनाए हैं। शान मसूद की बात करें तो 19 मैचेस खेलते हुए 396 रन उन्होंने अभी तक स्कोर किए हैं। शादाब खान पर आ जाते हैं दोस्तों, जो कि टीम के कप्तान हैं, और यहाँ पर 84 मैचेस खेलते हुए उन्होंने 98 विकेट्स अपने नाम किए हैं। तो वहीं बल्लेबाजी से भी प्रदर्शन करते हुए 476
रन उन्होंने बनाए हैं। इनके बाद दोस्तों मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो भी काफी अच्छे खिलाड़ी है, काफी अच्छे गेंदबाजी करते हैं। तो और 26 T20 मैचेस में उन्होंने 34 विकेट्स अभी तक अपने नाम किए हैं। तो देखना होगा कि इस मैच में वो आखिर कितने विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं। और आखिरी नाम है नसीम शाह का, जो कि एक नए गेंदबाज हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और अभी तक उन्होंने 16 मैचेस खेले हैं, यानी कि 16 T20 मैचेस और 14 विकेट्स अपने नाम किए हैं। वेल देखना होगा दोस्तों कि नसीम शाह यहां पर अपने स्टैट्स में कुछ चेंजेस करते हैं और अच्छे विकेट लेने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। हालांकि उनके पास मौका तो जरूर होगा, लेकिन वो मौके का कितना फायदा उठाएंगे ये देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों बात आ जाती है कंक्लूजन की कि आखिर ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो आपको बता दें कि जैसे कि हेड टू हेड कंपैरिजन को देखा जा सकता है पाकिस्तान की टीम का, हालांकि यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने एक भी मुकाबला नहीं जीता है, तो भैया भूखा शेर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, यानी कि यहां पर अफगानिस्तान की टीम भी इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन पलड़ा यहां पर पाकिस्तान की टीम का ज्यादा भारी है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले की जीत की दावेदार ज्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से क्या अफगानिस्तान की टीम यहां पर अपना खाता खोलने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल दोस्तों यहां पर एक सवाल हम आपसे जरूर करना चाहेंगे और वो ये है कि इस सीरीज में कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो कि यहां पर अच्छे रन स्कोर करते हुए दिखाई देगा? क्या वो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज होंगे या फिर पाकिस्तान के मोहम्मद हैरिस? तो दोस्तों यहां पर एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे और वो ये है कि आखिर इस सीरीज में कौन सा वो गेंदबाज होगा जो कि सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम करेगा? क्या वो राशिद खान होंगे, यानी कि टीम के कप्तान यहां पर ज्यादा विकेट लेने में कामयाब होंगे, या फिर पाकिस्तान की टीम की जो कप्तान है शादाब खान वो यहां पर ज्यादा विकेट लेने में सक्सेसफुल रहेंगे? आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।